हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए हम लोग हमारे आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग हमारे आज के इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं वो क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। वही क्वेश्चन पेपर के सीधे सवाल आपके आगे लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिल सके आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चनों का लेवल भी बहुत अच्छा है। ये लेवल आप लोगों के एग्ज़ाम में बड़ा काम आता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें इजी टू मॉडरेट और कुछ क्वेश्चनों में मॉडरेट टू हाई लेवल भी जाना होता है। जनरली जो पेपर होते हैं वो इजी टू मॉडरेट में रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं 5-10% जो मॉडरेट टू हाई लेवल को भी छूते हैं। तो हम उसी सेक्शन को या उसी रूल को फॉलो करेंगे हमारी इस क्लासेस के अंदर। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग टेस्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर पहली बार पहुँचे हैं तो प्लीज़ इस बैंकिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने प्यारे दोस्तों को। इसके साथ में मेरे दोस्तों, आप लोग जो है ना, अगर पहली बार यहाँ पर आए हैं ना, तो इसके अलावा मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहिए आपको तो सुनील सर टेस्ट बुक नाम की टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना आप लोग। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या विजिबल है देखिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा था मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा प्रकार का आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना यूज़ किया जाता है, वो कौन सा यूज़ किया जाता है? जवाब आपका क्या होगा यहाँ पे? फ्लैट डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, हायरार्किकल डेटाबेस है। गुड इवनिंग आप सभी को। तो जो सबसे ज़्यादा टाइप का डेटा यूज़ किया जाता है ना डियर आपका, वो कौन सा डेटा है इसके अंदर? तो सबसे ज़्यादा टाइप का डेटा यूज़ किया जाता है आपका रिलेशनल डेटाबेस यूज़ किया जाता है आपका। सबसे ज़्यादा टाइप का रिलेशनल डेटा यूज़ किया जाता है, ये याद रखना आप लोग। नमस्ते बच्चा सभी को। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा यहाँ पर ठीक रहेगा। डेटाबेस के बारे में आपको बहुत ढंग से पता है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप लोग RDBMS के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन कोई डेटा है या ऑनलाइन कोई दो टेबल है, उनको आपस में अगर आपको रिलेशन में रखना है या उनको आपस में लिंक करना है तो आप लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ कर लिया करते हैं। तो जनरली RDBMS का यूज़ इसलिए किया करते हैं आप लोग कि आप लोग ऑनलाइन डेटा को मैनेज कर सके, एक एंड दूसरे एंड को आपस में मैनेज कर सके, इसके लिए आप लोग आमतौर पे इसी का ही यूज़ किया करते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जब भी आपके आगे आता है ना, तब आप लोगों के आगे एक MS Access नाम का सॉफ्टवेयर भी आता है, ठीक है ना? पता हो तो आप लोगों को MS Access नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी आपके पास में रहता है। और ये MS Access जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम आने वाला सॉफ्टवेयर है आपका, इसको याद रखिएगा। अच्छा सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना इसके अंदर काम आता है ये सॉफ्टवेयर, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टैब रहता है ना, वो भी शायद आप लोगों को पता होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टैब इसका रहता है टेबल, ठीक है ना? मतलब इसके अंदर सबसे पहले होम नहीं खुलता है, इसके अंदर टेबल खुलता है आपका, जैसे वर्ड है, पावर पॉइंट है और एक्सेल है, वहाँ पे तो होम खुलता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन यहाँ पे टेबल आपका बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ज़रूरी इसको याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आपका सवाल है व्हाट डू सर्कल रिप्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन डाउट वाला था, इसको छोड़ दें। अ सर्वर यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट द क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ये क्या है आपका? बैक एंड है, फ्रंट एंड है, प्रोग्रामिंग है या जावा है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। ईजी सवाल है, खास मुश्किल सवाल नहीं है, और एग्ज़ाम में तो खैर आ सकने वाला सवाल कह सकते हो आप लोग सीधे सीधे तौर पे, ठीक है ना? बैकएंड जिसने भी दिया है उसका सही आंसर रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है किरण यादव जी, और बताइए क्या करना है? कंप्लीट टॉपिक्स की क्वेश्चन की क्लास लगाओ, मैराथन 500 क्वेश्चन की, ठीक है बेटा? इसके अलावा बताओ क्या करना है, ये तो एक काम है कर देंगे। चलो सर, इस सवाल का ठीक आंसर आपका बैक एंड है, ठीक है ना? बैक एंड इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। सर यू लुक डैशिंग, काहे का डैशिंग भैया, तबीयत ख़राब हो रखी है आज तो ज़बरदस्त वाली, कल से और आज से लंका लगी हुई है तबीयत की। नमन बस
चल रही है जिंदगी फिलहाल, तो ठीक है ना, बैकएंड इसका ठीक आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका सवाल है कि विच प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर का कौन सा इसमें से टाइप है, ठीक है ना। सर मैं भी हो गया कल से बीमार, हाँ बुखार है ये बेटा, वायरल बुखार है, वो तो कुछ नहीं हुआ ज़्यादा तो। हाँ जी, तो इसका आंसर बताइए, पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बाकी सत्यवान आपका थैंक यू तारीफ के लिए, तो अप्रिशिएशन के लिए धन्यवाद। कौन सा प्रिंटर है आपका ये? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपका भैया देखो, पेज प्रिंटर तो कुछ नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा है हमें, ये लेज़र और इंकजेट ये जो प्रिंटर एक्चुअल आपके हैं, भाई लेज़र कोई पेज कह दो आप लोग, ये एक बार में कोई पूरा पेज प्रिंट कर रहा है इस हिसाब से, तो ये सारे के सारे जो ना आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है ना। ये प्रिंटर होते हैं आपके कैसे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इनको नॉन इम्पैक्ट के नाम से जाना करते हैं। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ना आपके, इनको कहा करते हो आप लोग इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है, जिसके अंदर कोई प्रकार की इंक नहीं होती है, जिसके अंदर कोई इंक नहीं होती है ना, उनको आप लोग इम्पैक्ट प्रिंटर कहा करते हैं। इनके अंदर हैमर प्रिंटिंग के माध्यम से, टेक्निक से जो ना प्रिंट किया जाता है। हैमर प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है सर? हैमर प्रिंटिंग का मतलब ये होता है आपका कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया, तो इस तरीके से हथौड़े की तरह ए जाके प्रिंट होएगा, लाइक टाइपराइटर वाली मशीन है ना, उसी की तरह ही हैमर प्रिंटिंग है। कोई ड्राइवर सॉफ्टवेयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है आपकी, ठीक है ना। इसके अंदर दो टाइप के प्रिंटर आते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका क्या है आंसर आपका यहाँ पे? तो इसके अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप है आपके, दो टाइप में एक आता है आपका कौन सा, एक आता है इसके अंदर आपका जिसको आप कह करते हो लाइन प्रिंटर, ठीक है ना। एक इसके अंदर आता है लाइन प्रिंटर आता है, और एक इसके अंदर आता है कौन सा, एक इसके अंदर आता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर आता है, ठीक है ना। एक आता है लाइन प्रिंटर आता है, एक आता है कैरेक्टर प्रिंटर। अच्छा, लाइन प्रिंटर का यूनिट क्या होता है पता लगा सकते हो आप लोग? लाइन प्रिंटर का यूनिट क्या है? तो लाइन प्रिंटर का यूनिट होता है LPM। LPM का मतलब क्या होता है? LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट, ठीक है ना, लाइन पर मिनट, ठीक है ना, लाइन पर मिनट ये है आपका, ठीक है। अच्छा, लाइन पर मिनट जो है ना ये है। और कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है सर? कैरेक्टर प्रिंटर का यूनिट क्या होता है? CPM होता है। CPM का मतलब क्या होता है आपका? कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है ना, कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है ना, ये कुछ रहता है आपका। वो लाइन पर मिनट है, ये कैरेक्टर पर मिनट है, दोनों आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कुछ कुछ ऐसा रहता है इनके अंदर, ठीक है। ये तो चलो ठीक है सर, हमें पता लग गया। अब एक बात बताइए, इनके एग्जांपल क्या है? लाइन प्रिंटर के कुछ एग्जांपल हैं आपके पास में दो यहाँ पे, ठीक है ना। पहला एग्जांपल क्या है सर? पहला एग्जांपल लाइन प्रिंटर का होता है चेन प्रिंटर, ठीक है ना, चेन प्रिंटर। और दूसरा लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है ड्रम प्रिंटर। आपको पता होगा कि लेज़र प्रिंटर इसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, लेज़र प्रिंटर का प्रिंसिपल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ड्रम प्रिंटर ही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि लेज़र प्रिंटर का प्रिंसिपल बताओ क्या है। तो लेज़र प्रिंटर का प्रिंसिपल ड्रम प्रिंटर है, मतलब ड्रम प्रिंटर के प्रिंसिपल पे ही वो काम करता है, ये याद रखिएगा। अच्छा सर, कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में बताइएगा। कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर जो है ना, वो एक बार में एक कैरेक्टर लिखेगा। इसमें सबसे पहला तो ये है आपका घोचू सा प्रिंटर, समझिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ना आनंद ले लेके प्रिंट किया करता था। जैसे मान लेते हैं ए लिखना है, तो ये इस तरीके से ए लिखेगा, ऐसे ऐसे। बी लिखना है ऐसे, सी लिखना है ये। लंबे समय की कोई प्रिंटिंग इसकी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग सही है ये अपने आप में, ठीक है ना। योर आर्ट ऑफ टीचिंग इज ग्रेट, शुक्रिया करंट अफेयर जी, ठीक है ना। आपका नाम भी बहुत ग्रेट है, सीरियसली आपने अपना नाम रखा वो भी बड़ा ग्रेट रखा है। डॉट मैट्रिक्स हो गया। अच्छा सर, दूसरा कौन सा प्रिंटर है इसके अंदर? दूसरा प्रिंटर जो है ना इसका, हमारा कैरेक्टर के अंदर आता है, वो आता है डेजी व्हील, ठीक है ना, डेजी व्हील आता है, डेजी व्हील। ये तुमने पुराने ज़माने में वो टेलीफोन्स रखे हैं क्या, ठीक है ना, टेलीफोन्स देखे होंगे जो इस तरीके से वो घुमा के प्रिंट किया, वो सॉरी फ़ोन किया करते थे, जैसे टर इस तरीके से। फिर वो पुराने अमरीश पुरी वाली फिल्मों में मुगम्बो खुश हुआ, उनमें ऐसे टेलीफोन हुआ करते थे ना, उस टाइप का ये प्रिंटर है। ए दबाया, टर टप,
ऐसे आवाज आते थे इसमें, बी दबाया टर टप। नॉइजी प्रिंटर है, और जहाँ पे भी मैकेनिकल पार्ट होते हैं ना, वो कोई बहुत ज़्यादा लेंथी काम होता नहीं है, घिसेगा ना, कन्फर्म सी बात है। कोई बाइक है आप कितनी अच्छी ले आइएगा, सर पे बैठा के थोड़े ना उसको रखेंगे। कितना महंगा बाइक ले आइए, बुलेट ले आइए, चाहे तुम जावा ले आइए, तुम हार्डली डेविडसन ले आइए, कुछ मर्जी ले आइए तुम लोग, लेकिन वो चलेगा तो घिसेंगे पार्ट उसके, सिंपल सी बात है। मर्सिडीज लाओ चाहे कुछ भी मर्जी लाओ, मैकेनिकल पार्ट है ना, कॉमन सेंस सी बात है। तो ऐसे प्रिंटर लॉन्ग लास्टिक नहीं होते हैं जनरली। आजकल कोशिश की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पार्ट हो, जहाँ मतलब हेड मूव करेगा वो तो मैकेनिकल रहेगा नो डाउट, बाकी तो चीज़ें इलेक्ट्रिक की जा सकती है। तो इस करके बहुत लॉन्ग लाइफ इनकी थी नहीं, ये एक बार में पूरा एक करेक्टर, जैसे मान लो ए लिखना तो ए, कोर्ट की टाइपराइटर वाली बेस्ट कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। करंट अफेयर स्टैटिक जी के कहाँ है? हाँ भाई बताओ तुम्हारे करंट अफेयर और स्टैटिक जी के। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। वैसे मेरे पास में ऑप्शन दो ही है, और ऑप्शन ना ही होता तो भी आंसर कर सकते थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, आसानी से बता सकते थे हम लोग यहाँ पे। अच्छा बिहार से एक भैया और आए हैं हमारे, एक जिला है बिहार का, इस जिले से कौन कौन है? और भैया कुंदन जी, कुंदन गुप्ता जी हमारे एक लड़के हैं यहाँ पे, कोई छपरा छपरा टावर के हैं, वो आज गायब दिख रहे हैं हमें, या नहीं नहीं है क्लास में बैठा ही रहा। प्रियम कुमार ये रहा, पकड़ो इसको लेके जाओ इसे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका ठीक आंसर, ये रोज पूछता बिहार से कौन है, देखो आ गया भैया तुम्हारा दोस्त आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे लिए यूजेबल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि जैसे मान लो आपके पास में है हार्डवेयर, ठीक है ना, ये आपका आपके पास में ठहरा हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है? हार्डवेयर के ऊपर होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के ऊपर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों सर? इसका मतलब यहाँ क्या कि हार्डवेयर, और हार्डवेयर का मतलब क्या, आपका सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो, पूरा कंप्लीट डिजाइन हो गया, ठीक है ना। ये चलेगा कब? ये चलेगा तब जब आप उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे। ये दोनों सही हो गया तब आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन डालोगे, वरना तो कोई मतलब भी नहीं है। अरे कोई मतलब नहीं है कैसे सर? देखिए मान लेते हैं कि आपके फ़ोन से मैं कह दूं कि आपके फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं चलना, आपके फ़ोन में इंस्टा नहीं चलना, फेसबुक नहीं चलना, टैली नहीं चलना, यूट्यूब नहीं चलना, और फिर आप गूगल क्रोम वगैरह कुछ भी नहीं चलना, केवल फ़ोन है, फ़ोन पे फ़ोन बात ही नहीं होना। आप कहोगे सर क्या मतलब है? मैं कहूँ बस देख लो फ़ोन को, ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आप कहोगे सर मेरे क्या काम आएगा ये? कोई काम नहीं आएगा, है ना। इसीलिए ही बात है कि इसके अंदर एप्लीकेशन। आप तो कहोगे सर मेरे फ़ोन में ना एक बस व्हाट्सअप चल जाए, या एक दो इंस्टा चल जाए, बस बात खत्म, और कुछ ना चले जाए। तो ऐसा ही समझिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ज़रूरी होती है, यूज़र के लिए ज़रूरी है ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप डिलीट कर सकते हो? क्या अनइंस्टॉल कर सकते हो? मतलब डिलीट नहीं कहूँगा, अनइंस्टॉल कर सकते हो आप? बताना मुझे आप लोग। अरे विशाल भी बिहार से, बेगूसराय से। जी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका कोई एग्जांपल है सर? जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल कर दोगे? वैसे तो आखिर आप मूर्खता करोगे नहीं है, लेकिन साधारणतः आप करना चाहोगे क्यों? ये कर दिया तो फिर बचा ही क्या फ़ोन में या कंप्यूटर में? नहीं कर सकते हो आप लोग इनको, ठीक है ना। कैमरा एप्लीकेशन है मान लो, वो सिस्टम के साथ ही आई है, जो कंप्यूटर के साथ में ही आती है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके। जर्नली जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड्रॉइड के साथ टाई अप, थोड़े दिन पहले तुमने सुना होगा ना गूगल के ऊपर भारत सरकार ने जुर्माना लगाया था, हमारे इंडिया के कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो CCI करके एक डिपार्टमेंट है, उसने गूगल के ऊपर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का जुर्माना जड़ दिया, 2000 करोड़ का, बल्कि 800 करोड़ समथिंग और एक 1200-1300 करोड़ का एक और, दो टाइप के जुर्माने लगे थे। और जुर्माने भी किसके लिए लगे थे? वो इतना फाइन किस लिए लगा था? कहते भैया तुम ऐसा है कि तुम नया फ़ोन जब भी लाते ना तुम्हारा, मान लो रियलमी फ़ोन लेके आए हम, रेडमी फ़ोन लेके आए हम, तो तुम्हारे इस फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इन बिल्ट जो है ना ये यूट्यूब ना आता है तुम्हारे फ़ोन में, ये गूगल जो सर्च इंजन है ना वही बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो क्या दिक्कत है जब हर कोई इनको यूज़ कर ही रहा है, यूट्यूब को तो हर कोई यूज़ कर रहा है, तो क्या दिक्कत है अगर यूट्यूब आ ही जा रहा है तो, या गूगल आ ही जा रहा है तो क्या दिक्कत है?
नहीं ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इतनी सी आ जाती है एक प्रकार की कि भैया अगर YouTube या Google आ रहा है तो लोगों को ना बस एक ही पता लग गया कि सर्च इंजन नाम की चीज़ दुनिया में Google ही है, और वीडियो देखना है तो केवल एक ही है, वो YouTube है। तो सर YouTube ही तो है, बाकी तो कुछ और होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि YouTube नहीं, YouTube के अलावा कुछ और नहीं है, और भी वीडियो प्लेटफॉर्म हैं जिन पे पैसे भी मिलते हैं, पर फर्क है ये है कि उनके ऊपर आप यूजर्स को नहीं ला सकते क्योंकि जनता है ही नहीं। मतलब मान लेते हैं कहीं और आपने ऐसे कोई वीडियो प्लेटफॉर्म पे, एक था भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा अब, लेकिन एक था मैंने उस पे देखा था, एज इट इज़ यूट्यूब जैसा ही था, मतलब मोनेटाइजेशन रूल्स वगैरह पैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ पे व्यूज़ दिखे सभी लोगों के, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 16, किसी के 27। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जनता है ही नहीं, लोग है ही नहीं, ज़बरदस्ती वो 5-6 को पकड़ के लाया होगे, और वो भी मेरे जैसे ही थे जो कहीं से सुन के आ गए होंगे, आ क्या गए, थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए वहाँ से, तो कोई उसका चांस नहीं है। तो लोगों को मतलब ये होगा कि यही सर्च इंजन है, यही आपका जो है ना वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो गूगल ने कहा भैया देखो ऐसा है, भारत सरकार ने कहा ऐसा है कि तुम गूगल को रखो, लेकिन इसको अनइंस्टॉल करने के जोगा भी रखो। आप इसको अभी कई फ़ोनों के अंदर ऐसा है कि आप इनको अनइंस्टॉल करना चाहेंगे तो वो हो नहीं पाएंगे, वो कंपनी वाले टाई अप गूगल देते ही क्यों। जैसे मान लो रियल मी वाला जैसा टाई अप कर लिया उन्होंने, उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे इस यूआई यूज़र इंटरफेस को जैसा मर्जी बनाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तुम्हें अपने फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड चलाने के लिए तभी अनुमति दे रहे हैं, पैसा तो ले रहे हैं वो तो पक्की बात है ही है, के अलावा हम आपको ये भी है कि साथ के साथ हमारा ये गूगल है ना, गूगल का यूट्यूब का ये सारी चीज़ें ना, ये अनइंस्टॉल ना कर पाए कोई यूज़र। तो ये एक मतलब समझिएगा आप लोग, एक प्रकार का इसके ऊपर विवाद है, भारत ने जुर्माना लगाया, तो ये सुधर भी गया है, ठीक है ना। इसने कहा है कि आने वाले अपकमिंग फ़ोन में मैं ऐसा कर पाऊंगा, लोग कर पाएंगे कि अनइंस्टॉल कर सकेंगे, लेकिन अब तक इसकी ज़ुबान पे लोगों की मार्केटिंग बढ़िया बढ़िया हो गई है। चाइना में इसलिए तो बैन है गूगल, पता है ना आप लोगों को, चाइना में फ़ोनों में गूगल नहीं, वहाँ पे अल्ता विस्ता चलता है, व्हाट्सअप नहीं चलता है, वीचैट चलता है, खुद के ही है उनके, यूसी ब्राउजर चलता है, गूगल क्रोम नहीं चलता है उनका, ठीक है। तो ये कंडीशन अलग ही है आपका यहाँ पे, ठीक है। सर आज वॉइस अच्छा आ रहा है, चलिए बढ़िया बात है। सर लैपटॉप में यूट्यूब ईमेल से लॉगिन क्यों नहीं होता? मतलब होता तो है, ईमेल आईडी से लॉगिन होता है यूट्यूब पे, और कहाँ से होता है, पहले ईमेल आईडी बनानी होती है, उसी से क्रिएट मतलब लॉगिन होता है, और तो क्या आपका। खैर ये तो तुम्हें समझ में आ गया है, ये आसान सवाल था पर थोड़ा लॉजिक भी थे चीज़ें। वर्क एनालिसिस इंक्लूड द प्रिपरेशन फाइल, टेबल ऑफ फाइल अलॉटमेंट है, बूट एरिया है, कैश है या फाइल सिस्टम है, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर रहेगा हमारे पास में यहाँ पे। आज आप चेंज लग रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया बच्चा आज मुझे, क्या हो गया आज मुझे, लॉग आउट हो जाता है पर ओपन करते हैं तो ओपन नहीं होता है। चलो सर जी, वर्क एनालिसिस इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, फाइल, टेबल ऑफ फाइल अलॉटमेंट के लिए, बूट एरिया के लिए, कैश के लिए है या फाइल सिस्टम के लिए है, क्या इसका ऑप्शन आप लोगों ने दिया है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके सारे के सारे फाइल सिस्टम से रिलेट करते हो आप लोग इनको, ठीक है ना, फाइल सिस्टम। हार्ड डिस्क की बात करते हैं, हार्ड डिस्क रन ने स्मॉल प्रोग्राम इन ए हार्ड डिस्क व्हेन यू स्टार्ट विद, ये किससे रिलेटेड है भैया, हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क में एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये किससे रिलेट होता है आपका, ठीक है ना। अरे एक सेकंड, वर्क एनालिसिस प्रिपरेशन कैश से ही होता है, माफ करना इससे नहीं है, कैश से ही होता है। कैसे ही होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। वर्क एनालिसिस जो है ना, आपका कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम होता है वर्क एनालिसिस होता है, और हाई स्पीड मेमोरी के साथ ही होता है, बाय डिफॉल्ट, मेरे से गलती से लग गया, यही आंसर है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है।
हार्डिक्स रन ए स्मॉल प्रोग्राम इन ए हार्डिक्स व्हेन यू स्टार्ट कंप्यूटर, तो इसका ठीक आंसर बताइएगा क्या रहेगा आपका। हमारा आज मैं चेंज इसलिए लग रहा हूँ, मैंने एक नया ट्रिमर लिया था, ठीक है ना, और ट्रिमिंग कर की मैंने, ठीक है ना, तो थोड़ी थोड़ी जर्नली दाढ़ी रखा करता हूँ मैं, ठीक है ना, तो उससे छोटी करने की कोशिश की थी मैंने, तो उसके जो नया ट्रिमर था तो उसके जो ब्लेड थे ना वो अलग ही किस्म के थे, उसने छोटी करने के बजाय लगभग लगभग साफ ही कर दी, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा चेंज लग रहा है और कुछ नहीं। हर बार थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होती है, आज लगभग लगभग मुँह चिकना कर निकाल के छोड़ दिया उसने ऑलमोस्ट, ठीक है ना। नहीं उसने थोड़ी कसर तो छोड़ी है, कहते नहीं नहीं आपको थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखने का खुशी होती है ना, देखो थोड़ी थोड़ी छोड़ी है, बिल्कुल ही थोड़ी, मतलब थोड़ी थोड़ी ही छोड़ी है और कुछ नहीं छोड़ा उसने, ठीक है ना, तो उतना ही काम रखा है उसने, इसलिए थोड़ा सा चेंज लग रहा है और कुछ चेंज वेंज है नहीं। आवाज़ अच्छी पता नहीं क्यों आ रही, पर आवाज़ गला तो ख़राब लग रहा है हमें तो। हार्ड डिस्क के अंदर बूट होता है डियर, ठीक है ना, शुक्रिया डियर, ठीक है ना, तो बूट एरिया इसका ठीक, देखो बूट एरिया ही होता है सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर ना, आपका कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क के अंदर, जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ रहता है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ रहता है, तो कंप्यूटर ऑफ रहता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहता है बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में रहता है। अच्छा ये सवाल ना आपको वैसे ही तंग करता है, ठीक है ना, कैसे तंग करता है सर, ये तंग ऐसे करता है कि आपको कहा जाए कुछ भी प्रोग्राम कहा जाए, बताओ कि ये जब भी कंप्यूटर आपका बंद रहता है तो ये प्रोग्राम कहाँ पे रहता है, तो आपको हर बार कहना ये चीज़ हार्ड डिस्क में रहती है, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे कोई फाइल हो, क्योंकि बंद है तो रैम में तो रहने से रही ना, आप खुद ही सोचिएगा रैम में तो कैसे रह सकती है, जैसे कंप्यूटर बंद हो गया तो रैम में तो खाली हो गया ना, क्योंकि रैम तो एक वोलेटाइल मेमोरी है, जब तक पावर रहेगी तब तक डेटा रहेगा, पावर ऑफ तो डेटा भी ऑफ, रैम के साथ तो भैया खेल है ये वाला, तो रैम में तो रह नहीं सकता है आपका, तो हार्ड डिस्क में सब कुछ रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑन हो जाता है ना, ऑन होते ही डेटा कहाँ पे आ जाता है, ये रैम में आ जाएगा, ये भी कन्फर्म है, फिर आपका हार्ड डिस्क से वास्ता नहीं रहेगा, जब भी ऑन होएगा आपका तब भी आपका रैम के अंदर आएगा। लेके कौन आएगा सर इसको, लेके इसको आएंगे सर हमारे बूट लोडर लेके आएंगे, ठीक है ना, बूट स्ट्रैप लोडर लेके आएंगे, तभी तो आप लोग ये कहा करते हैं कि कंप्यूटर बूट हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है ना, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो हल्का सा समय लगता है ना, वो समय यही है आपका, ये बूटिंग में ही समय लगता है, वो बूट एरिया ही होता है आपका, ठीक है, तो इसको ही याद रखिएगा आप लोग। एक NTFS फाइल सिस्टम होता है, ये किस कंपनी का है, ये क्या होता है, क्यों काम आता है ये बताना, NTFS एक फाइल सिस्टम होता है, ये किस कंपनी का है, ये क्यों है, क्या है इसका मतलब बताना। अखिल ने फुल फॉर्म तो बता दिया इसका, बहुत बढ़िया, सत्यवान ने इसकी कंपनी भी बता दी, शाबाश। कंपनी का नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट और फुल फॉर्म इसका है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है ना, NTFS का फुल फॉर्म है ये वाला। होता क्यों है अब ये बताइएगा, मतलब ये इसका काम क्या है, ये करता क्या है ये बताइएगा। तो NTFS का काम ये होता है भैया आपका, कि आपके फाइलों को जो है ना सीधे सीधे तौर पे संभाल के रखना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल सेव है, अचानक मान लेते हैं कि मेरा कंप्यूटर बंद हो जाए, पावर ऑफ हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो क्या आप ये चाहेंगे कि पावर फेलियर होने के बाद में आपकी फाइलें हैं वो क्रैश हो जाए सारी, ख़त्म हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, आपको बहुत धोखा लगेगा, कंप्यूटर से नफरत हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर से मोहब्बत तब होती है कि यार पावर फेलियर हुआ, सब कुछ ठीक था लेकिन मेरी फाइलों को कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी फाइल बिल्कुल सही है। सर आप ये फाइल कौन सी बता रहे हैं, फाइल इन द सेंस ये है, ये आपकी फाइल से ज़्यादा ज़रूरी फाइल होती है आपकी कंप्यूटर की। अक्सर ऐसा होता है कि मान लो ये डिजिटल बोर्ड है लेकिन इसमें भी कंप्यूटर है, इस ये पता क्या होता है, ये जर्नली जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं ना हम लोग, हमारे पास में ये डिजिटल बोर्ड है इसमें कंप्यूटर प्लस में एंड्रॉयड दोनों है, हालांकि अकेला एंड्रॉयड वाला भी आता है लेकिन मेरे पास में जो है इसके अंदर तो एक मोबाइल की तरह भी इसको यूज़ कर सकता हूँ मैं और इसको कंप्यूटर की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। अक्सर मैं इसको कंप्यूटर की तरह ही यूज़ करता हूँ क्योंकि जब छोटा एक तो है सिस्टम और एक बड़ा सिस्टम, तो मैं बड़े सिस्टम को यूज़ करूँगा ताकि स्पीड मुझे अच्छी मिलेगी, मतलब मैं स्विच कर सकता हूँ, ऐसा एक ऑप्शन है देखिएगा इसके अंदर, ठीक है ना, ये मोर पे आए हम लोग यहाँ पे और
उस नहीं मेन्यू पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मेन्यू, ये आपको दिख रहा होगा पीसी और साथ में दिख रहा होगा एंड्रॉयड के साथ HDMI 1.2.3 VGA केबल पे लाना। पर ऐसा अगर मैं एंड्रॉयड पे जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट ही एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा उस चीज़ में तो मुझे करके दिखाना नहीं है एक्सपेरिमेंट, पर वैसे बता रहा हूँ वर्बली। अच्छा सर, ये तो चलो ठीक है, आपकी सही बात है ये, लेकिन अब ये चलता चलता बहुत बार बंद हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है पावर फेलियर हो जाए। यहाँ पे इसका स्विच पास में ही है तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है कि मुझसे ही कई बार गलती से उसके पैर लग जाता है, हाथ लग जाता है, कीबोर्ड उठाते समय बंद हो जाता है। तो मेरे कंप्यूटर क्या विंडो ख़त्म हो जाएगा इसका, उठ जाएगा? हुआ तो नहीं है, अक्सर ऐसा हो क्यों नहीं होता, क्योंकि NTFS उस फाइलों को बचाए रखता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है उनको बचाए रखता है पावर फेलियर के दौरान। जहाँ आपने कोई फाइल सेव की है, मान लेते हैं लोकल ड्राइव डी के अंदर आपने कोई फाइल सेव की है, अब आप ढूंढने गए तो आपको मिल रही है ई के अंदर, ऐसा तो नहीं होता? नहीं होता सर, जहाँ ढूंढे जहाँ रखी थी वही सेव मिलेगी फाइल। ये फाइल NTFS का काम होता है, जहाँ फाइलें रखी है वहीं वहीं मिलेगी, एड्रेसेस वगैरह उन सभी पे काम आता है ये आपका, ठीक है ना। McAfee क्या है, सिस्टम में दिया हुआ इसका वर्क क्या है? अच्छा, McAfee एंटीवायरस है, ठीक है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस का काम होता है कि आपके कंप्यूटर को स्कैन करना, स्कैन करने के अलावा आपके कंप्यूटर के अंदर जो है ना जो भी आपकी हार्मफुल फाइल है उसको डिटेक्ट करना और लाइक अ वायरस उसको फिर निकाल देना, आउट कर देना, वो होता है McAfee, ठीक है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई है हमने। अगला सवाल आपका क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है ये बताइएगा। फॉन्ट स्टाइल नहीं है इसमें से, वो आता है बोल्ड है, सुपरस्क्रिप्ट, इटैलिक या नॉर्मल। जी, फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड आता है, इटैलिक आता है, नॉर्मल भी कह सकते हो आप लोग, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। आपको ये अच्छे से पता है, सुपर स्क्रिप्ट जो है ना ये अबो बेस लाइन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्स स्क्वेयर का कोई फॉर्मूला लिखना हो ना, तो ये दो ऊपर ले जाना हो तो आप लोग क्या कर लोगे, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दोगे और साथ में आप प्लस दबा दोगे, या आप कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबा दोगे प्लस में आप इक्वल टू दबा दोगे। इसका भाई एक सबस्क्रिप्ट भी होता है जो नीचे आपको अब बिलो बेस लाइन लिखना हो, जैसे साइंस के फार्मूले लिखने हो आपको, जैसे H2O लिखना हो, दो नीचे लाना हो, तो आप क्या करोगे, तो आप कंट्रोल प्लस में इक्वल दबा दोगे। ये की बात है, दोनों की आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर जाएं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा MCQ कौन सा रहेगा कि मेक्स एस कैपेबल टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम कौन बनाता है, बताइएगा। सर आपने फ्लॉपी के बारे में पढ़ा नहीं लिखा, फ्लॉपी बता देते हैं बच्चा लोग। देखो इसका आंसर मेल मर्ज है, फ्लॉपी। फ्लॉपी का दूसरा नाम आपका जो होता है ना वो डिस्कैट होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फ्लॉपी जिसको आप लोग कहा करते हो डिस्कैट, ठीक है, या इसको आप लोग कहा करते हो 01 डिस्क, या इसको कहा करते हो आप लोग मॉयलर डिस्क, ठीक है, क्योंकि मॉयलर प्लास्टिक की बनी होती है, या ये है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, ये इसके नाम है सारे के सारे, ठीक है ना, ये इसके सारे के सारे नाम है। इस बात को तो आप लोगों को यहाँ से याद करना है आपका, ठीक है ना। अब ये तो चलो ठीक है, हमारे पास में इसके सारे सारे नाम है ये वाले, पर फ्लॉपी डिस्क जो है ना आपकी यहाँ पे, ये फ्लॉपी आपकी नो डाउट इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। ये दिखने में पहले तो कैसी होती है, ये वाली है, इसके अंदर बीच में छोटा सा होल होता है, इस होल को कहते हैं इंडेक्स होल। इसमें डेटा को रीड एंड राइट कैसे करते हैं, इसमें डेटा को रीड एंड राइट किया करते हो आप लोग किसकी मदद से करते हो, आयरन ऑक्साइड की मदद से, आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना, डेटा को रीड और राइट किया करते हो आप लोग आयरन ऑक्साइड से किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगली बात इंपॉर्टेंट है आपकी, कि जो आपकी फ्लॉपी है वो ज़्यादा पॉपुलर कौन सी जनरेशन की थी,
तो ये थर्ड जनरेशन की जो है ना आपकी पॉपुलर थी, तीसरी पीढ़ी में आई थी लगभग। तीसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है आप मुझे बताइएगा कमेंट में। इसके बाद में ये फ्लॉपी है ना, ये दो टाइप की होती है मेनली, तो वैसे तीन टाइप की है पर आप पढ़ा दो करते हैं जो एग्जाम में आती है, तीसरी तो वैसे ही थी। एक तो होता है मिनी फ्लॉपी, एक होता है माइक्रो फ्लॉपी। ध्यान रखिएगा फ्लॉपी का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही वो बेस्ट होगी, ठीक है ना, जितना छोटा होगा उतनी ही वो बेस्ट होगी आपकी, ठीक है ना। अच्छा, मिनी फ्लॉपी का साइज होता है आपका कितना, 5 सही 1/4 इंच, ठीक है ना, 5 सही 1/4 इंच है, या इसको आप लोग जो है ना 5.25 इंच कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 सही 1/4 या 5.25 इंच कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इसका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी कितना है, 1.22 MB है। माइक्रो 3.5 इंच, 3.5, 3 सही 1/2 इंच, ठीक है ना, या इसको 7/2 भी कह सकते हो, ये एक ही बात है सारे। इसका साइज है डेटा हैंडलिंग 1.44 MB, ये होती है फ्लॉपी आपकी, ठीक है ना। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, एग्जाम में पूछ ली जाती है इन चीजों को भी। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और एन ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ये एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का क्या एग्जांपल है आपका, सिस्टम है, स्प्रेडशीट है, टेम्पलेट है या एप्लीकेशन है, बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर रहेगा हमारा। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और एन ईमेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके। वैसे तो बहुत इजी सवाल है, कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ मुश्किल वाली चीज़ें आपसे मैंने पूछ ली हो। दीज ऑल आर एप्लीकेशंस, ठीक है ना, इन सबको आप लोग एप्लीकेशंस के नाम से जाना करते हैं। आईपी एड्रेस हैज़ बिन फॉर्म्ड, आईपी एड्रेस जो है ना वो कितने बिट का होता है, रग रग में बसा हुआ सवाल है ये तुम्हारा। वो रेडियो पे ऐड आती ना, रग रग में दौड़े सिटी, वो वाली बात है। अगर आप पहली बार हमारे टेस्टबुक सुपर कोचिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे आए हैं ना, तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी के सभी बच्चे। और हाँ, इसके अलावा कोई भी कोर्स लेना हो आपको तो सुनील बी, ये मेरा कूपन कोड है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और सुनील सर टेस्टबुक, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, इसको भी सभी के सभी बच्चे ज़रूर यूज़ कीजिएगा आप लोग, इसको मतलब ज्वाइन कर लेना है आपको। कोई भी कोर्स लेंगे ना आप लोग तो उस पर एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन होता है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है उस ओरिजिनल प्राइस से आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SUNILB सुनील बी कूपन कोड यूज़ करते हैं तो, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर देना सभी, शेयर नहीं किया है तो कर देना आप लोग सभी के सभी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ही है। आईपी एड्रेस दो ही टाइप के हैं, दो वर्ज, वैसे तो इसका आंसर है ये वाला, लेकिन अगर आपसे वर्जन पूछ लिए जाए तो दो है। एक आपका IPv4 होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 होता है, एक आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 होता है, ये दो होते हैं आपके। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 है, ये 32 बिट का होता है आपका, 32 बिट का होता है, और ये कितने बिट का होता है आपका, ये होता है 128 बिट का होता है आपका। इन दोनों को आप लोगों को याद कर लीजिएगा। चलिए सर आगे, एक नया नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में डाले जा सकते हैं। कौन सा नियम है जिसमें आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ही डेटा को आप लोग जो ना एंटर कर सकते हैं, तो कौन से प्रकार का नियम होगा वो। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है इसका, ट्रांसपोजल रूल है, बाउंड्री वैल्यू है, फॉर्मेट वैसे तो इंग्लिश ही है, लिखा हिंदी के रूप में ही है, ठीक है ना। डेटा वैलिडेशन रूल है, हाँ भाई एक सवाल हिंदी में रह गया, तुरंत इंग्लिश का लिख दिया, ये इंग्लिश में ही है वैसे तो, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ, इसको डेटा वैलिडेशन रूल्स होते हैं ये, ठीक है ना, डेटा वैलिडेशन रूल है। डेटा वैलिडेशन रूल है एक जिससे संबंधित आंकड़े लिखे जा सकते हैं आपके। लो बेटा इंग्लिश हिंदी दोनों में आ गया, ठीक है। हु मेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक, पहला एनिक नाम का कंप्यूटर जो ना वो किसने बनाया है आपका, पहला एनिक नाम का कंप्यूटर किसने डिजाइन किया है। वॉन न्यूमन के द्वारा किया गया, जोसेफ एम जैकर्ड के द्वारा किया गया, जे प्रेस्पर एकर्ट है, ये दोनों ही ऑप्शन सही है आपके यहाँ पे।
ये एनिक जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है, कंप्यूटर मत बताना। ये बना था 1946 में बना था आपका, ठीक है, 1946 में बना था। ये बना था कहाँ पे आपका, ये बना था आपका मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर बना था, मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर जो है ना इसको बनाया गया था आपका। और इसके बाद में जो है ना, ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब जो है ना इसके अंदर लगी हुई है आपकी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब जो है इसके अंदर लगी हुई है आपकी। और ये फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर है आपका, फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का एक बेहतरीन एग्जांपल जो है ना वो यही वाला है आपका, याद रखिएगा, पहली पीढ़ी का एनिक। अकेला एनिक ही नहीं कहेंगे आप लोग, एक पहली पीढ़ी में बहुत बेहतरीन कंप्यूटर था जिसका नाम था आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये वाला था आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में जाना गया। इसको भी जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचले दो लोग थे, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का नाम है नहीं। जे प्रेस्पर एकट तो ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है इस सवाल का, लेकिन जॉन मॉचले एक और भी थे आपके, ठीक है। तो फिलहाल तो इस सवाल का आंसर सी ही देके चलिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल हमारे पास में कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी स्टोरेज यूनिट आपको टेराबाइट दिख रही है, टीबी दिख रही है, इनमें से सबसे बड़ी, ठीक है ना। और वैसे आप लोगों के आम तौर पे कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की स्पीड मेजर की जाती है आजकल, वो गीगाहर्ट्ज़ में रह जाती है, गीगाहर्ट्ज़ में, ठीक है ना। मतलब आजकल के कंप्यूटर जो गीगाहर्ट्ज़ में चल रहे होते हैं आपके, यानी कि 10^9 कैलकुलेशन पर सेकेंड, ठीक है ना, 10^9 कैलकुलेशन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये 10^12 हो जाएगा, फिर 2-3 पावर बढ़ जाएगी, 3 पावर बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आजकल के कंप्यूटर चलते कहाँ से, 3-4 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड पे चलते हैं आजकल के कंप्यूटर। नॉर्मली स्पीड तो गीगाहर्ट्ज़ में मेजर की जाती है, लेकिन आजकल चलते हैं 3-4 पे चलते हैं आपके, ठीक है ना। सर अगर गीगाहर्ट्ज़ एंड मेगाहर्ट्ज़ हो तो क्या लगाना चाहिए, गीगाहर्ट्ज़ ही लगाना चाहिए, अगर गीगा मेगा दोनों हो तो गीगा ही लगाना चाहिए, अदरवाइज करते गीगाहर्ट्ज़ में ही स्पीड मेजर है हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा छोटा है मतलब, पर कोई बात नहीं आपको दिख जाएगा, वरना मैं पढ़ा ही दूंगा, समझा ही दूंगा। ये पूछा है मस्ट रिफ्रेश्ड, ऐसी रैम बताइएगा जो अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, ये पूछा है, ठीक है ना। तो जो रैम अपने आप को रिफ्रेश करती है वो रैम आपकी होती कौन सी है, डी रैम होती है। डी रैम जो होती है ना वो अपने आप को रिफ्रेश बहुत जल्दी जल्दी करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीक पढ़ाए थे, पर मैं जानबूझ के आज आपके आगे लेके खड़ा हूँ ताकि मैं रिवीजन करवाऊँ। मेरी इतनी सी आदत ही है कि मैं एक बार एक सेशन को पढ़ाता हूँ, फिर उसको कुछ दिनों के बाद में दोबारा लेके आता हूँ ताकि वो सवाल हो जाए पक्के। हर रोज़ बहुत नया होना कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। हर रोज़ जो बदलता है इंसान वो कोई इंसान भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए इस लॉजिक को। हमें ऑब्वियसली नए सवाल करते हैं हम लोग, ऐसी बात भी नहीं है, जैसे ही करते ही आए हैं, लेकिन जो पढ़ लिए उनको ऐसा सवाल ये इस तरीके से आपको बना देता हूँ मैं कि रात को 3 बजे भी वो सवाल आपसे नींद में भी पूछ ले, लात मार के भी कोई बहुत बेदर्दी से पूछे, स्टिल देखते ही, मज़ा तो तभी होता है जब क्वेश्चन को बिना पढ़े देखते ही आंसर निकल के आए ना, उसी दिन ही आनंद आता है, उसी दिन समझो कि हम पढ़े हैं। तो हम आपकी उसी टेक्निक पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही रूल है, रिविज़न मेथड, बस उसको अपना लो, बंटाधार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे, और कुछ नहीं होता उससे। नए हर दिन ही नया नया होता रहा, रिविज़न ही कुछ नहीं है, तो आगे चल रहा है, पीछे सब कुछ साफ होता जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, ठीक है ना। दूसरे को स्टूडेंट होते थे रिकॉर्डेड चिल्लाते, नहीं चिल्ला नहीं दो कोई बात नहीं, नए नए स्टूडेंट आते हैं कई बार कहते हैं, कह देते हैं सर ये तो हो गया, सर ये तो पढ़ लिया मैंने, हाँ पटा पढ़ लिया, हमें भी पता है, इतने भोले तो हम हैं नहीं कि यहाँ पे क्लास में आके खड़े हुए हमें ये ना पता हो कि ये सवाल हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हम 2-3 बार जब तक रिविज़न नहीं होगा तब तक आनंद आएगा नहीं हमें, तो रिविज़न जिस दिन हो जाएगा, देखो कभी हमारी फ्रिक्वेंसी बदली गया उस रिविज़न सवाल को उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम जैसे पहली बार किया था, हम तो बोर नहीं हुए ऐसे, तो क्यों होना है बोर, ताकि आपको अच्छे से पेपर में कॉन्फिडेंस आए, इसी के लिए ऐसा चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिलेटेड टू हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम। लो भैया कंप्यूटर के कौन से सिस्टम में हैकिंग के अंदर जो ना ये रहता है आपका, ये बताओ। ये सवाल मैंने पहले तुम्हें मतलब पहले सेशन में नहीं पढ़ाया था, बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या है।
इसको दिल लगी बोला जाता है। दिल लगी किसको बोलते हैं भाई? पैंसठ सतासठ सबका गलत आया आनंद अब 66 इसका सही आंसर है। हाँ तो भैया बताइएगा कौन कह रहा था सर कि रिवीजन वाले सवाल हो रहे हैं, रिवाइज कर रहे थे हम, तो कौन कह रहा था वैसे कि रिवीजन कर रहे आ रहे हम? बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब उसी सवाल के अंदर भाई एक दो तो ठीक हो हैं, उसी सवाल के अंदर ही गलत हो जाए। दिल लगी अटैचमेंट, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि आईटी एक्ट 2000 के अंदर जो है ना हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम आया था, ये 66 है आपका यहाँ पे, ठीक है। ए ऑप्शन इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ मैं कि चलो वो हैकिंग वाला अगला क्वेश्चन आएगा उसमें समझाऊंगा। स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर का स्पीड किस में मेजर करते हो आप? सीपीएस में, पीपीएम में, डीपीआई में, एचआरएस में? कौन सा बच्चा है जो घंटे में मेजर करता है? है कोई तुम में से ऐसा बच्चा जो इसमें मेजर करता है घंटे में? है कोई एक घंटे में एक पेज निकालने वाला? नहीं है, चलो ठीक है। फिर एक दो बच्चे ने सीपीएस दिया था, सीपीएस कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है ना। सीपीएम तो होता है, सीपीएस कुछ नहीं होता। पीपीएम इसका ठीक आंसर है। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक ना। एक मिनट में जो है ना वो एक पेज को प्रिंट कर सके। जैसे जर्नली क्या होता है कि आपने सुना होगा जो लेजर प्रिंटर होता है ना वो आपका 24 से 30 पेज पर मिनट प्रिंट करता है। पीपीएम 24 से 30 पेज जो है ना वो प्रिंट किया करता है एक मिनट के अंदर, आमतौर पे ये होता है आपका लेजर प्रिंटर। अच्छा कोई मुझे बताएगा लेजर प्रिंटर की इंक किसकी होती है? इंक लेजर प्रिंटर की इंक किसकी बनी होती है बताना? लेजर प्रिंटर की इंक किसकी बनी होती है? इंक बनी टोनर वैक्स, अरे नहीं नहीं कार्बन इंक होती है, ठीक है ना। ये कार्बन की बनी होती है, टोनर में तो इंक डालते हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टैब अंडर फॉर्मेट ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्मेट ऑटो शेप डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत एक टैब नहीं है? पोजिशन, कॉलआउट्स या कलर एंड लाइन और वेब? क्या ठीक है इसका आंसर है आपका यहाँ पे? ऑटो शेप में कौन सा नहीं ऑप्शन होता आपका? ऑटो शेप के अंदर जो ऑप्शन नहीं होता वो नहीं होता वेब नहीं होता, बाकी तो सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल है। वेब नहीं होता, वेब मतलब इंटरनेट की दुनिया है, वहां नहीं मिलता ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, अच्छा ऑल सेलेक्ट करना है आपको तो कंट्रोल ए होता है इसका, तो कोई खास मुश्किल सवाल नहीं है। इन वर्ड ब्लैंक्स इज अ मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सूचना को एक व्यवस्थित आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने का एक तरीका है जो सेल की पंक्ति और स्तंभ की ग्रिड में दिखाया करता है। ये चार्ट होता है, ये टेबल होती है, ये पिक्चर होता है, एक वर्ड आर्ट होता है ये। आप रो और कॉलम किस में बनाते हो? रो और कॉलम आप लोग बनाया करते हो टेबल के अंदर, ना कि चार्ट के अंदर, ठीक है ना। चार्ट में रो और कॉलम कब से बनने लगी भाई सत्यवान, मुझे एक बात बता दूं, ठीक है ना। कब से बनने लगी चार्ट के अंदर रो और कॉलम? तो यहां पे आंसर इसका टेबल रहेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये तो चलो ठीक है, मुझे आप ये बताइएगा यहां तो मैंने लिखा एक्सेल, ठीक है ना, और यहां लिख रहा हूं मैं यहां पे फिलहाल डीबीएमएस, ठीक है। एक्सेल के अंदर रो को क्या कहते हैं? एक्सेल के अंदर कॉलम को क्या कहते हैं? एक्सेल के अंदर जो है ना रो और कॉलम को क्या कहते हैं इतना बताइएगा। इसमें भी रो और कॉलम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइएगा। अच्छा अट्रैक्टिव मैनर दिखा, बताओ। एक्सेल में रो टप्पल कॉलम डोमेन, ठीक है। एक्सेल में रो जो होती है वो होता है टप्पल, कॉलम क्या होता है?
डोमेन, ठीक है। अच्छा इसमें रो क्या होती है, इसमें भी रो होती है टप्पल। कॉलम क्या होता है, एट्रीब्यूट किसने कहा है, एट्रीब्यूट किसी ने कहा नहीं, सेम डीबीएमएस में नहीं होता है, यहां पे एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं यहां पे, ठीक है ना। अच्छा इसमें एट्रीब्यूट क्या होता है पता है, सेल वैल्यू को कहते हैं, सेल वैल्यू जो होती है ना उसको कहते हैं एट्रीब्यूट, सेल वैल्यू को एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। और यहां पे जो है ना नंबर ऑफ रो क्या होती है, नंबर ऑफ रो उनको क्या कहते हो आप लोग, कोई बताएगा नंबर ऑफ रो को क्या कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी कहते हैं नंबर ऑफ रो को, नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, डिग्री किसी ने बताया, इसको डिग्री कहते हैं। ये दो तीन चीजें होती है जो आप लोगों से पेपर में पूछ ली जाती है, अच्छी अच्छी सवाल है ये, ठीक है ना। इस सवाल में कार्डिनलिटी वाले में, डिग्री वाले में, एट्रीब्यूट वाले में लगभग बच्चे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या ही चीज है। अच्छा चलो एक बात बताओ, ये दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सेल में और डीबीएमएस में फर्क क्या है बताना, मेजर डिफरेंस बताओ, कोई दो तीन मेजर डिफरेंस एक्सेल में और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेल कैलकुलेशन। अच्छा प्रियम कुमार नहीं पता है, हाथ जोड़ दिए और दाढ़ी खुजालने लग गए, और कोई चलिए देखो, एक्सेल जो होता है डीबीएमएस होता है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन चीजें होती है, कैलकुलेशन वगैरह के लिए एक्सेल होता है, वहां से रिलेट नहीं करते इनको। एक्चुअली क्या है कि दोनों कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि दोनों के अंदर ही आपको डेटा को रख सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो, बट अगर मुझे एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर्स के थ्रू चलवाना है, ठीक है ना, एक ही डेटा को कई यूजर चला सके, ठीक है ना, एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सके, तो वो आपका डीबीएमएस होता है। मतलब ये लार्ज जो है ना आपका लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है, बड़े लेवल पे एक ही डेटा को अगर एक ही जगह पे यूज कर रहा है, सिंगल ही यूजर है, मतलब एक ही जगह एक ही यूजर यूज कर रहा है, दैट इज एक्सेल है। अगर मुझे मान लेते हैं किसी रेलवे स्टेशन का डेटा मैनेज करना है, या मुझे एयरपोर्ट का डेटा मैनेज करना है, मुझे किसी यूनिवर्सिटी का डेटा मैनेज करना है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, कई सारे लोग उसमें हो सकते हैं, तो जब लार्ज स्केल की बात आती है ना तो सब जगह डीबीएमएस यूज होगा। लेकिन एक स्कूल का ही डेटा मैनेज करना है, स्कूल तो एक ही है, तो एक स्कूल में तो एक ही जगह एक ही यूजर, मतलब दो तीन लोग बैठ जाएंगे बात अलग है, पर वो यूजर तो एक उनके पास ही है सारा, तो वो एक्सेल हो जाएगा, वहाँ एक्सेल से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गूगल को, रेलवे को एक्सेल से मैनेज कर लूंगा, नहीं, उनको मुझे डीबीएमएस से मैनेज करना होगा। इनका बहुत बड़ा फर्क है, आपका इनका स्केल का ही फर्क है। दोनों में काम किस में होता है, दोनों में काम टेबल में ही होता है, यूं समझ लो, मतलब यहाँ पे शीट में काम होता है, यहाँ टेबल हो रहा है, प्रॉपर काम तो वैसे ही रो और कॉलम का ही हो रहा है, अभी दिखाया ना मैंने, रो कॉलम इसमें भी है, रो कॉलम इसमें भी है, लेकिन जो यूज करने का तरीका है ना वो बदल रहा है बस, और कुछ नहीं है आपका। हाँ रिजल्ट वगैरह पब्लिश होते हैं और डीबीएमएस में ही होते हैं, ठीक है ना, जैसे आरबीआई ग्रेड का पेपर आया, रिजल्ट आया ना अभी, फेज वन का रिजल्ट आया आरबीआई का अभी, तो वो इतनी बड़ी सी फाइल निकल के आई, पीडीएफ फाइल निकल के आती है, या बहुत सारा जो रिजल्ट होता है लोग, एक पर्सनल बच्चे से रिलेट बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती है, सब कुछ आपका जो है ना इसमें रिलेट होता है आपका डीबीएमएस में। नेक्स्ट है कि ब्लैंक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू प्रोसेस मैनेजिंग वेरियस डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, इसका ठीक आंसर क्या रहेगा आपका, आरबीआई ग्रेड बी,
हुआ किसी बच्चे ने पेपर दिया है क्या उसका? अगर पेपर दिया है तो हुआ किसी का सिलेक्शन उसमें? जी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा इसका हमारा, ठीक है ना, डिवाइस मैनेजमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अगला है कि इन ए डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है ना, इन ए डॉक्यूमेंट व्यू डिस्प्ले टेक्स्ट विद ए कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बट डज नॉट शो हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर नहीं दिखाई देंगे, तो डॉक्यूमेंट व्यू में कैरेक्टर आदि पैराग्राफ प्रारूप में पाठ्य दिखाते हैं परंतु हेडर फुटर नहीं दिखते हैं, तो वो नॉर्मल व्यू है, थंबनेल है, प्रिंट लेआउट है या वेब लेआउट है, कौन सा व्यू होता है वो आपका? विशाल कुमार का आंसर है ए, विशाल कुमार के अलावा अखिल का आंसर है डी, वेब लेआउट व्यू। पीएम कुमार का नॉर्मल व्यू को लॉक कर दिया जाए, आगे पता नहीं क्या ही लिख दिया। जय जगन्नाथ, इनका आंसर नॉर्मल है। सत्यवान का नॉर्मल के साथ डाउट है उनको। जिशान का नॉर्मल है। रिंकू सैनी का नॉर्मल है। चलो जी, नॉर्मल ही होता है ये ध्यान रखिएगा। वेब लेआउट में डॉक्यूमेंट में और वेब लेआउट का कोई आप दिमाग ही मत लगाओ, सिंपल ही है। हेडर फुटर आपको दिखते ही नहीं है, कहाँ दिखते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सा ही आंसर आपका ए वाला ऑप्शन, नॉर्मल व्यू ही होता है आपका ये, ठीक है, जो आमतौर पर सामने दिखता है आपको। द सिस्टम मेमोरी ऑन द मदरबोर्ड इज अरेंज्ड इन ए ग्रुप इज कॉल्ड, ये बताओ। ये बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, देखा जाए तो आंसर किया जा सकता है इसका लॉजिकल सवाल का। करिए आंसर, बी ऑप्शन है स्टोरेज बैंक, विशाल कुमार का। बाकी लोगों का मेमोरी चंक, सत्यवान का उसमें भी डाउट है। जिशान का सी, उसमें भी डाउट। प्रियम का सी को लॉक कर दो। जय जगन्नाथ, सरताज आलम ए आंसर है। दीप्ति मेमोरी चंक, वेंकटेश का मेमोरी चंक, वाह भाई साहब वाह। बबली का मेमोरी चंक, हमें बताना एक बार मेमोरी चंक क्या होती है जो मेमोरी चंक आंसर कर रहे हैं, ये हमें समझाना तुम लोग, ठीक है ना। इसका आंसर है मेमोरी बैंक, आगे बात समझ में। स्टोरेज तो हो ही नहीं सकता, मदरबोर्ड मेमोरी कभी भी कहिए तो मेमोरी होगी। प्राइमरी मेमोरी के कितने सारे नाम बता रखे हैं आपको मैंने, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, इसके नाम होते हैं, इसी को ही आप मदरबोर्ड मेमोरी कहते हो। प्राइमरी मेमोरी को ही आप लोग क्या कहा करते हो, मदरबोर्ड मेमोरी कहते हो। इसी प्राइमरी मेमोरी को ही आप लोग कहा करते हो इंटरनल मेमोरी, इंटरनल। इसी प्राइमरी मेमोरी को आप लोग कहा करते हैं प्राइमरी मेमोरी, मदरबोर्ड मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इसको सिस्टम मेमोरी भी कहा करते हो आप, इसको कोर मेमोरी भी कहा करते हो, इसको मेन मेमोरी भी कहा करते हो, ठीक है ना। इसको आप सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हो, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हो। इसको आप लोग सिलिकॉन मेमोरी भी कहते हो। इतने सारे नाम है इसके आपके, ठीक है ना, इतने सारे नाम है आपका। तो आप पता नहीं क्यों ही लगा रहे थे यार, सिंपल है, मेमोरी बैंक्स होते हैं, एक साथ लगे होते हैं, चंक चुंक कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल पढ़ो और आंसर कर दो, बस बात करते हम। सी ऑप्शन सही है। द स्मॉलर द एंड द शार्पर विल बी इमेज व्हेन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, जितना छोटा होगा मॉनिटर उस पर दिखाए गए प्रतिबिंब उतना स्पष्ट होगा। वो क्या है आपका यहाँ पे, सूडो कलर है, एस्पेक्ट रेशियो है, रिफ्रेश रेट है और डॉट पिच है। डी ऑप्शन दिया है जिशान, विशाल और सत्यवान, हिमेश, बबली, जय जगन्नाथ, वेंकटेश, प्रतिभा, रिंकू, आर्या, ठीक है, करुणा, सबका आंसर ठीक है। डॉट पिच है, जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा स्मॉलेस्ट डॉट होंगे उतने ही ज़्यादा पिक्चर्स की क्वालिटी है ना वो एनहांस हो जाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यहाँ पे। एक आपने स्क्रीन का यूनिट पढ़ा होगा ना कभी, पीपीआई पढ़ा होगा ना, पीपीआई। पीपीआई का मतलब क्या होता है? पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। पीपीआई पिक्सल पर इंच है। एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही ज़्यादा स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी।
अच्छा, पिक्सल्स ज्यादा अगर हैं तो रेजोल्यूशन भी हाई है, और अगर रेजोल्यूशन भी हाई है तो स्क्रीन का कंटेंट है वो भी बहुत साफ आपको दिखाई देगा, है ना। प्रिंटर यूजेस ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। हाँ ये बताओ, तब मजा आएगा थोड़ा। ये बताइएगा, डॉट मैट्रिक्स ड्रम। हम आपको बताते हैं एक्चुअली बात कि ये दो ऑप्शन तो देखो कट गए सीधे सीधे, क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है कैरेक्टर प्रिंटर। अभी हमने आपसे पढ़ाया था ना कैरेक्टर प्रिंटर, पूछा है और ये भी इम्पैक्ट का एग्जांपल होता है। इस कैरेक्टर के दो एग्जांपल होते हैं, एक इसके अंदर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स आता है, और एक के अंदर इसमें आता है आपका डेजी व्हील आता है, ठीक है ना। एक आता है इसके अंदर डेजी व्हील आता है आपका, ठीक है ना, डी ए आई एस वाई होता है ये, ठीक है ना, डेजी व्हील आता है आपका। ये दो प्रिंटर हैं आपके, ठीक है। अब बात ये है कि दोनों ही कैरेक्टर ही हैं, तो ये लगाएं कि ये लगाएं, दोनों ऑप्शन में दे रखा है, अब क्या करें। अब बात ये आता है क्या कि पुराना पूछा इन्होंने, ओल्डेस्ट प्रिंटर है तो ओल्ड पुराना है डॉट मैट्रिक्स, पहले प्रिंट होता था ऐसे डॉट 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 से, फिर पूरा प्रिंट होने लग गया ऐसे एक बार में, तो दैट्स वाई इसका ठीक आंसर डॉट मैट्रिक्स रहेगा आपका, डॉट मैट्रिक्स इसका ठीक आंसर है। आंसर की में भी डॉट मैट्रिक्स था और लॉजिकली भी डॉट मैट्रिक्स ही आना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ऐसे डॉट 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 करके प्रिंट होता था, उसके बाद ये प्रिंट होता था, तो डॉट मैट्रिक्स पहले आया था आपका इससे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है इसका, ध्यान रखिएगा। इंकजेट और ड्रम का लॉजिक नहीं बनता, हालांकि ये भी एक प्रिंटर है, पर ये आपका आता लाइन प्रिंटर के अंदर, और ये तो आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो पुराना का तो कोई मतलब ही नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं है, और दूसरा ड्रम प्रिंटर कैरेक्टर भी नहीं है, ये पूरी एक बार में लाइन प्रिंट करने वाला होता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों बातों में फर्क था आपका। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्लाइड शो बटन हैज विच इज यूज टू एड इंफॉर्मेशन यूजिंग, ये क्या आंसर है भैया इसका हमारा? प्रिंटर जोहान्स गटरबर्ग पॉइंटर ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सत्यवान पॉइंटर शायद, गो टू स्लाइड, सी डी, पॉइंटर ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में स्लाइड शो बटन हैज पॉइंटर ऑप्शन विच इज यूज टू एड इन्फॉर्मेशन यूजिंग पेन, इससे मुझे कुछ ऐड करना है, तो इस स्लाइड शो के अंदर गो टू स्लाइड से कुछ लिख दोगे ना? छोटा सा सवाल है, देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है तुम लोगों ने, सी 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 चिपका रहे हो, पेन गो टू स्लाइड से लिख दोगे? पेन तुम्हारे आगे चल रहा है, ये इतने दिन से तुम देख रहे हो ध्यान जमा ही नहीं है, ठीक है ना। ये स्लाइड शो चल रहा है, इसके अंदर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये पेन रहा इतना बड़ा बड़ा, और इस पेन के अंदर से ये देखो मैं ये पीला पेन लिया, ये पीला है, गोल्डन कलर है सही, ये पीला है, ठीक है ना, ये लाल है, हम तो इसको भी लाल कहते हैं, लड़कियां कलर में फ़र्क बता पाएगी, फिर भी हम इसको हरा कहते हैं, हम तो इसको भी हरा ही कहते हैं, हम इसको नीला कहते हैं, हम तो इसको भी नीला ही कहते हैं, हम तो इसको भी नीला ही कहते हैं, और हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बैंगनी कह देंगे, हमारे पास ये कलर है, इतने सारे कलर सवाल मतलब ये सॉरी कलर है हमारे पास में, तो पेन ही तो तुम ले रहे हो और क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कुछ लिख रहे हो तो पेन ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। ये सारे सारे कलर रहे हमारे, लड़कियों के लिए कलर अलग है ना, ये रेड है, ये कौन सा रेड बोलते हो तुम भाई लड़कियों, डार्क रेड, येलो, गोल्डन, इसको तो हमें पता है, ये तोतिया रंग हो गया, फिर हरा यही है, स्काई ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, छोड़ दो यार अपन कौन से कलर पढ़ने हैं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हाँ यही तो बात होती है तुम्हारी लंका, ओवर कॉन्फिडेंस भी तो बहुत है तुम्हें। अरे यार सर कोई बात नहीं, सर रिवाइज करवा रहे हैं, हमें आता है, टमाटर आता है तुम्हें, ध्यान से पढ़ते नहीं हो तुम सवाल। हुँ?
सर हेक्सा कोड एंड सीएमवाई कोड पढ़ने होंगे क्या? उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है डियर, वो ठीक है ना, वो इंजीनियरिंग वगैरह के लिए आते हैं और ना ही मतलब बाइनरी सेक्शंस के अंदर कन्वर्जन तक तो ठीक है, लेकिन उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी मैं एक बार फिर से सिलेबस को देखूंगा तुम्हारे इसके लिए, अगर कुछ नीड हुई तो विल ट्राई कि मैं उनको करवा भी दूं आपको, इसी सेशन के अंदर ही करवा दूं, ठीक है मिश? तो इसका ठीक आंसर क्या दिया आप लोगों ने मुझे? इसका ठीक आंसर एक काम करो, आप मुझे होमवर्क में देना, ठीक है ना, ये होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए मैं, होमवर्क सॉरी, ये आपके लिए होमवर्क है। मिलता हूँ कल शाम को सही 6 बजे, आ जाना एग्जैक्ट टाइम पे, आ जाना एग्जैक्ट आऊँगा मैं भी। मेरा टेलीग्राम हैंडल नहीं ज्वाइन किया है सभी ने तो ज़रूर कर देना, सुनील सर टेस्ट बुक, ठीक है ना। और के अलावा मेरा कूपन कोड है SUNIL सुनील बी, कोर्स लेना हो तो पास लेना हो तो SUNILB पास, ठीक है, ऑन द स्पॉट मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी ये बताइए ज़रूर, वीडियो को लाइक नहीं किया अगर आपने अभी तक प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आप लोग, और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना डियर। हाँ सेम जगह सेम टाइम हर जगह आएंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हो, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चनों के लेवल्स के साथ में कह रहा हूँ मैं, तो उसका सिलेबस तो एक बार आप मैच कर लेना, लेकिन मैं क्वेश्चनों के लेवल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ऑलमोस्ट ठीक है ना, 19-20 का अंतर होगा बस और कुछ नहीं। चलिए शुक्रिया डियर।